दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए कॉटन कैंडी मेकर। माया दत्तरी ने मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में, और भी काफी सारे लोगों ने मैसेज किया था कि भैया कॉटन कैंडी मेकर लेकर आओ। इतना बेहतरीन आइटम है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बचपन में मैं इसे बोलता था बुढ़िया के बाल। आप क्या बोलते थे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, मैं जरूर पढ़ूंगा। फिलहाल के लिए बड़े से क्या मतलब, एक मीडियम से इस बॉक्स की करते हैं अनबॉक्सिंग, निकालते हैं इस कॉटन कैंडी मेकर को और देखते हैं कैसे बनते हैं भैया बुढ़िया के बाल। तो दोस्तों बॉक्स जो है मैंने ये लिया है अमेजन से, और ज़्यादा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है किन किन कलर से ये मिलता है, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्स, 500 वाट, तो काफ़ी सही है इसका वोल्टेज वगैरह। तो जल्दी से अब इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी मेन मशीन कॉटन कैंडी मेकर की, इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान इसके साथ में है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल बहुत जरूरी है इसे पढ़ना, डूज डॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे यूज होगा तो जरूर भैया इसे एक बार पढ़ लेना आप। फिलहाल इसको रख देते हैं साइड में, और ठीक इसके नीचे हमको देखने को मिल जाते हैं भैया वुडन स्टिक, वुडन स्कीवर, 20 नंबर्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो क्वालिटी वाइज आपको दिखाता हूँ बिल्कुल पास से, तो ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं, मुझे काफ़ी सही चीज़ लग रही है। और ये एक बार खत्म हो जाए तो आप मार्केट से और भी परचेज कर सकते हो। उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक स्पून हमको देखने को मिल जाता है जिससे हम शुगर वगैरह ऐड करेंगे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्पून है। और ये कुछ और पार्ट्स इस मशीन के जिन्हें मैं बाद में आपको लगा के दिखाऊंगा। अब जल्दी से हमारी जो मेन कॉटन कैंडी मेकर मशीन है इसको ओपन कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भैया इसे देखने के लिए। तो ये बाहर निकल चुकी है, स्टेनलेस स्टील ऊपर दिखाई दे रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। फर्स्ट लुक में बहुत ही बढ़िया, छोटा सा पार्ट और है नीचे। ये पेपर किस चीज़ का है भाई, सारे इंस्ट्रक्शन तो ऊपर हमको देखने को मिल गए थे, तो इसे भी एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये कुछ कैशबैक वगैरह कुछ है, कुछ नीचे चीज़ें लिखी हुई है भैया, 100 रुपये का कैशबैक आपको कैसे मिल सकता है। तो चलिए इसे तो हम रख देते साइड में, हमें तो मेन यहाँ पे कॉटन कैंडी मेकर बनाना है। तो इसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें सक्शन के वॉल्व दिख रहे हैं, जिसे आप कहीं भी प्लेन फर्श वगैरह पे रखोगे तो वहीं पे ये हिलेगी विलेगी नहीं ज़्यादा और आसानी से फिक्स हो जाएगी, तो काफ़ी सही चीज़ लगी है। तो ये देखिए आप अच्छे से टेबल के ऊपर भी फिक्स हो रही है ये। उसके साथ में एक आपको छोटा सा पीस दिख रहा होगा दोस्तों, और ये काफ़ी मेन चीज़ है, यही इसका आप कह सकते हो कि इसी के ऊपर जो है कॉटन कैंडी बनेगी। और इसके ऊपर लिखा हुआ है डेंजर दोस्तों, इसे आप टच मत करना हाथ से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हाथ वाथ आपका जल सकता है। फिक्स करना बहुत ही आसान है, ऊपर से आपको मैं फिक्स करके दिखाता हूँ। तो ये जो है बस फिक्स हो चुका है अच्छे से, और बस ऊपर आपको अब एक और अटैचमेंट लगाना है प्लास्टिक का जो आपने देखा था। तो दोस्तों मशीन बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है, चलिए अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मशीन को ऑन करने लाए हैं, थोड़ी देर के लिए इसे खाली चलाना है ताकि अच्छे से ये हमारी प्लेट ऊपर वाली हीट हो जाए और हमारी जो बुढ़िया के बाल है वो जल्दी जल्दी बन सके। तो अंदर आपको दिख रहा होगा लाइट वगैरह जल चुकी है, इससे हीट होगी जिससे कि मतलब जो ऊपर वाली प्लेट है वो गर्म हो जाती है दोस्तों। बीच में आपको एक होल दिख रहा होगा, उसमें आपको एक चम्मच चीनी डालनी है, तो मैं अभी घर की चीनी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ स्पेशल चीनी भी आती है मार्केट में, फिलहाल हम घर वाली चीनी से बना के देखेंगे भैया बनती है कि नहीं बनती है। मैंने ज़्यादा डाल दी, कुछ फैल वैल गई इधर उधर। फिलहाल देखिए अभी हीट लगनी हल्की हल्की शुरू होगी, और मुझे यहाँ पे बाल दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के, अरे यार मज़ा आ गया देख के दोस्तों इन्हें, अरे वाह बुढ़िया के बाल जो बन रहे हैं। अभी मैं फर्स्ट बार बना रहा हूँ तो मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिलहाल देखिए यार बहुत बढ़िया बढ़िया लेयर यहाँ पे बन रही है, फाइबर आप इन्हें कह सकते हो, बुढ़िया के बाल बिल्कुल पास से देखिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है देख के कि मतलब खुद से बनाए हुए बुढ़िया के बाल। तो कुछ इस तरह से आप इन्हें लपेटते रहिए, ये बनते जाएंगे, और यार काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के, वाह 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 दोस्तों काफ़ी सही लग रहा है। फिलहाल जल्दी से इसे मैं देखता हूँ कितना ज़्यादा यहाँ पे लपेट हम इसे सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और एक जो मार्केट में शुगर आती है रेडीमेड वो भी हम इसमें डाल के देखेंगे कलर वलर बनता है नहीं बनता है। फिलहाल यहाँ पे मैं इतना सा ही आपको दिखाता हूँ लपेट के, और ये देखिए हमारे बुढ़िया के बाल जो हैं किस तरह से यहाँ पे बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये बुढ़िया के बाल हैं, और यार मज़ा ही आ गया इन्हें देख के।
दोस्तों थोड़ी सी मशीन आपको यहाँ पे दिख रही होगी यार, चारों तरफ ये फैल गया, बट ये शुगर है दोस्तों। सिंपली जब ये ठंडा हो जाए तो आपको पानी वानी डाल के आराम से ये वॉश हो जाता है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सही चीज़ लगी। चलिए अब एक बार मार्केट से जो मैंने लिया था शुगर उसको भी एक बार ऐड करके देखते हैं कि उससे कैसे बुढ़िया के बाल बनते हैं। तो दोस्तों अब हम फ्लॉस शुगर की मदद से बनाएंगे बुढ़िया के बाल। ये मैंने ऑनलाइन अलग से ऑर्डर करी है स्पेशली ये बुढ़िया के बाल बनाने के लिए जो है बनी हुई है। तो देखते हैं भैया मतलब इससे कैसे बाल बनते हैं। फिलहाल पैकेट ओपन हो चुका है, अंदर आपको दिख रहा होगा ये ओके। अब दिख रहा है आपको कलरफुल शुगर, पिंक कलर, रेड कलर जो भी गई है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसको भी सेम प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसा पहले था, बट हमें देखना है कि ये बाल अलग हैं या वैसे ही है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हल्की सी मशीन गर्म हो चुकी है, लेयर बननी स्टार्ट हो चुकी है और मैं इसे लपेटना स्टार्ट करता हूँ। बट कलर अभी तो मुझे कलर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके दोस्तों ये भी लगभग वाइट जैसी ही कह सकते हो, बट उससे हल्का सा, बहुत ही हल्का सा कलर है, कैमरे में इतना दिखाई नहीं दे रहा है, बट यार थोड़ा अगर इसमें फूड कलर मिला दे शायद ये रेड हो जाती। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोस्तों ये जो हमारी थिकनेस है इस गुड़िया के बाल की, ये थोड़ी सी पहले से ज़्यादा मोटी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है स्ट्रॉबेरी की, वो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है, मतलब मज़ा आ रहा है इसे देखते हुए। तो ओवरऑल यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि खुशबू आपको अच्छी मिलेगी और थोड़ा सा आपका बड़ा बनेगा। एक और चीज़ बताऊँगा दोस्तों, जितना बड़ा ये जार का जो सर्कमफ्रेंस होता है दोस्तों, जो इसका डायमीटर होता है, उतने ही बड़े हमारे बुढ़िया के जो बाल हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा ये मोटे बनेंगे, बट मज़ा आ गया। एक बार टेस्ट करके देखें, थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए एक बार टेस्ट करके भी इसको देखते हैं, मैं बच्चों को खिलाता हूँ भैया कैसा लग रहा है। ओके यार देखिए आप, हल्का हल्का आपको रेड फ्रंट में दिखाई दे रहा होगा। तो ये है परफेक्ट बुढ़िया के बाल। ओवरऑल यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।